প্রচুর প্রচুর সেল হয়েছে এবার দীপাবলিতে। চাইনিজ প্রোডাক্টের বিকল্প দরকার আছে, কারণ স্বাগতম সবাইকে বিচারেশনে। আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি ভিডিওটি দীপাবলিতে রিলিজ হয়েছিল, আর ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে 1.25 লাখ করোড় দিওয়ালি সেলস ব্রেক 10-ইয়ার রেকর্ড ইন্ডিয়া রিজেক্টেড চাইনিজ গুডস। আমার মনে হচ্ছে দেওয়ালিতে কি পরিমাণ কেন বেচা হয়েছে সেটার উপরে হয়তো বা কোনো একটা ভিডিও, এবং সেটা হচ্ছে যে চায়না থেকে না নিয়ে দেশের তৈরি কোনো জিনিসের হয়তো বা সেটার বেচা কেনার উপরে হয়তো বা। হ্যাঁ, এবং অ্যামাউন্টটা কিন্তু অনেক, যে একটা দীপাবলিতে এই পরিমাণ সেল হয়েছে, 5 লাখ করোড়, তার মানে 10 বছরের রেকর্ড এটা। আর এমনিতেও কিন্তু দেওয়ালির আগে কিন্তু, আই মিন দীপাবলি বাংলায় তো, দীপাবলির আগে কিন্তু হচ্ছে যে তোমার ধনতেরাস যেটা থাকে সে তখন কিন্তু স্বর্ণের গহনা কেনাকাটাটা অনেক বেশি হয়। আবার অনেকে পুরনো জিনিস দিয়ে দেয় এবং হ্যাঁ পরিবর্তন করে, নতুন অনেক জিনিসপত্র কেনে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই সময়টা আসলে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কিন্তু অনেক উপযুক্ত একটা সময়, যারা করেন আর কি। আমার মনে হচ্ছে ওটার উপরে ভিডিওটি হবে। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে। আমরা আগেও ওনাদের অনেক ভিডিও দেখেছি, তো ওনাদের অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप अगर देखो तो जो भी बड़े देश है जहाँ पर बहुत ही ज़रा बड़ी आबादी है, वहाँ पर साल में एक आता है मेजर फेस्टिवल जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देता है एक बहुत ही बड़ा बूस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में क्रिसमस, बहुत से लोग बाहर निकलते हैं, सेल होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। चाइना में है चाइनीज न्यू ईयर और भारत में है दीपावली। दीपावली ना सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, इसको मैं ये भी कहूंगा फेस्टिवल ऑफ इकोनॉमी भी है, क्योंकि ये इकोनॉमी को बहुत देता है। और इस बार की दीपावली को आप अगर देखो तो 1,25,000 करोड़ की सेल हुई है, 10 साल का रेकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये समझ लिया है ऐसे टाइम में जब चाइना के गुड्स को बॉयकॉट भी किया जा रहा है मार्केट में, और चाइना ने ये बात नोटिस करी है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है इंडियन बॉयकॉट को लेकर ऑफ चाइनीज गुड्स। मगर सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो ये 1.25 लाख करोड़ की जो ये फिगर है सामने कहाँ से आई है। तो देखो ये बात बोली है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ऑल अराउंड टोटल सेल हुई है 1.5 लाख करोड़ की। और इतना ही नहीं है, आप अगर देखो तो रिसेंटली जो अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन है ना, ये भी रिकॉर्ड तोड़ है। जीएसटी का सिस्टम हमारे देश में आया था 2017 में, और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2021 के अक्टूबर महीने में। सरकार के पास टैक्स के रूप में 1.3 लाख करोड़ आए हैं। इस वजह से हमने ये भी देखा है कि एक दिवाली गिफ्ट भी मिला, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ये थोड़े बहुत कम हुए हैं। उम्मीद है और इस दिवाली इकोनॉमिक बूस्ट का एक बहुत ही बड़ा रीजन है अमेजोन। देखो अमेजोन ऐसा नहीं है कि खुद ही अपना सामान बनाकर बेचता है, हालांकि आज के समय अमेजोन बेसिक्स वगैरह के रूप में ये लोग अपना सामान भी बेचते हैं, मगर ज्यादातर आप देखोगे अमेजोन में तो जो शॉपकीपर्स है वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो इस वजह से भी देखा गया है कि शॉपकीपर्स को भी फायदा हुआ, और ऑब्वियसली यहाँ पर अमेजोन ने भी पैसा कमाया है। ये जो लग्जरी है ना अमेजोन फ्लिपकार्ट की, ये आज के समय भारत के पास ही है। जो ई कॉमर्स का सिस्टम आपको भारत में मिलेगा वो आसपास के देशों में, चाइना को छोड़ के आप अगर देखो तो आसपास के देशों में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अमेजोन जैसे हमारे देश में है, पाकिस्तान में कोई अमेजोन नहीं है, नेपाल में कोई अमेजोन नहीं है, बांग्लादेश में कोई अमेजोन नहीं है। लोकल सीए अपनी वेबसाइट बना रखी होती है, वो रीजन के हिसाब से काम करती है। तो जो ई कॉमर्स का बूस्ट है ये भी दे रहा है भारत को बहुत ही बड़ा फायदा। और उसके अलावा उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2025 तक जो टोटल हमारी ऑनलाइन मार्केट होगी इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। और अभी तो खैर जियो मार्ट को झूम के अभी मार्केट में आना है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर अभी काफ़ी कुछ करेंगे, तो देखते हैं इन द फ्यूचर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ई कॉमर्स भी हमारे देश में बहुत ही बड़े स्केल पर क्यों रही है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसकी जो टोटल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं सिर्फ अक्टूबर 2021 में ना, ये है $103 बिलियन। अगेन कई कंट्रीज की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे देश में लोग यूपीआई से ही ट्रेड कर देते हैं आपस में। और सरकार ने अभी यहाँ पर ये कहा है कि जो आंकड़ा हमारे सामने आया है ना
ये एक्चुअली और भी अच्छा हो सकता था अगर ग्लोबल शॉर्टेज ना होती सेमीकंडक्टर की। अभी के लाखों पता होगा कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। आपने सोचा होगा इस बार दिवाली में कार को लेकर, मोबाइल फ़ोन्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स नहीं आए। लोगों ने फिर भी परचेजिंग करी है, मगर जिस तरीके से पहले ऑफर आते रहे वैसे नहीं आए। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि सिंस ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है तो सेमीकंडक्टर के जो प्राइस हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। उस वजह से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम नहीं किए जा सके। अगर तो ऐसा होता, अगर प्राइसेस कम हो जाते कार्स की सेल पर भी बूस्ट आता और ओवरऑल अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस बार दिवाली की जो टोटल सेल है ये 1.5 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाती, बट सैडली वी कुड नॉट रियली डू दैट। और इसी वजह से जो FADA है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि बाकी सेक्टर में तो दिवाली काफ़ी अच्छी गई है मगर हमारी दिवाली इस बार इतनी बढ़िया नहीं गई। जो ओवरऑल सेल है टू व्हीलर्स की, कार्स की, ये एक्चुअली काफ़ी हद तक डाउन रही थी। और आप अगर कंपैरिजन में देखना चाहते हैं कि अभी दिवाली इंडिया की कितनी ज़रा अच्छी गई है, तो देखो दिवाली वैसे 2016 में जो टोटल सेल हुई थी ये थी 35,000 करोड़ के आसपास की, धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और अब जाकर 2021 में हमने यहाँ पर बम्पर सेल देखी है 1,25,000 करोड़ की। और अभी भी यहाँ पर ट्रेडर्स कह रहे हैं कि साइकिल ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि देखो बाकी देशों में क्या होता है, वहाँ पर सिंस रिलीजियस फेस्टिवल्स में ना लोग इतना खर्चते नहीं है, तो मेन जो वहाँ पर सेल होती है वो होती है उनके न्यू ईयर के आसपास। हमारे यहाँ एडवांटेज ये है, पहले दिवाली से सीजन स्टार्ट होता है, फिर न्यू ईयर पहुँचते सेल और उठती रहती है, तो पूरा एक बड़ा फेस्टिवल शुरू हो जाए। हम देखें तो दुर्गा पूजा पर थे किंतु फेस्टिवल शुरू है ऑल ओवर इंडिया এবং নতুন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আমাদের তো আরো বেশি, তোমার পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত তো ওভারঅল ইকোনমি কো কাফি বড়া বুস্ট মিলেগা, লোক পারচেজ করেঙ্গে, তো অবিয়াস হি বাত হ্যায় ট্যাক্স ভি পে করেঙ্গে। और उस वजह से आप ये भी देखोगे कि सरकार के पास जो GST कलेक्शन है ये भी लगातार बढ़ता ही रहेगा। और इस सब में सबसे बढ़िया न्यूज़ तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से कि इंडियंस ने जेन्युइनली मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कम परचेज किए हैं। देखो बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी आबादी है, एक मैसेज लोगों तक डीपली पहुँचाने में टाइम लगता है मगर एक बार पहुँच जाए ना तो लोग उसको फॉलो करते हैं। और आप सब लोग, मैं कहूँगा आप में से जिस आदमी ने भी कभी सोशल मीडिया पे कमेंट करी हो, पोस्ट करी हो कि इस बार दिवाली में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं ये मत खरीदिएगा, अगर आपने ये न्यूज़ सर्कुलेट करी है तो मैं कहूँगा आपने भी रोल निभाया है आज के समय ये अचीव करने में। और ऑब्वियसली जब चाइना की इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ का लॉस होगा, क्योंकि आई मीन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि 50,000 करोड़ का जो ये अमाउंट है ना सिर्फ इतने का ही लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमें अनुमान था कि इस बार टोटल दिवाली में सेल होगी 1,00,000 करोड़ की। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरऑल नुकसान होगा चाइना के प्रोडक्ट्स को ये 70-80,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर $10 बिलियन की जो सेल है ये मिस आउट कर जाए। और ऑब्वियस ही बात है जब इतनी बड़ी सेल आपके हाथ से निकल जाएगी और वो भी आपकी वजह से, हम इंडियंस कभी भी नहीं चाहते कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। हम लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, मगर एक कंट्री लगातार कोशिश करेगा अगर अग्रेशन करने की तो लोग जवाब देंगे और जवाब इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा आज के समय। तो इसलिए जो चाइना का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, इसने यहाँ पर ये भी लिखा है कि इंडिया ने जो ये बॉयकॉट किया है इससे बस इंडियन इकोनॉमी को ही लॉस होगा, क्योंकि चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। आज भी कैन रिप्लेस मेड इन चाइना। तो सारी बातें जो इंडिया में हो रही है इनका मीडिया प्रॉपरली उसमें नजर रख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये लोग जानते हैं कि CAIT क्या है, उसने बॉयकॉट की यहाँ पर बात करी थी, चाइना के जो एक्सपोर्टर्स हैं इनके हिसाब से उनको $6.67 बिलियन का लॉस हुआ है। मगर घूम फिर के देखिए उन्होंने बातें यहाँ पर यही कही हैं कि चाइनीज़ गुड्स तो देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और प्राइस भी बहुत अच्छा होता है इसका, तो इंडियन अगर कंज्यूमर इसको नहीं परचेज करेगा तो उनका ही लॉस है। तो घूम फिर के उन्होंने कुछ खास बात यहाँ पे बोली नहीं है, ओवरऑल यही कहा है कि अगर COVID-19 से इनको उभरना है तो चाइनीज़ गुड्स और अच्छे से परचेज करने चाहिए ताकि सपोर्ट कर पाए इसको। तो सेंसलेस है इस टाइप के बॉयकॉट करना, मगर इन दी एंड मैं यही कहूँगा इनको सोचना होगा, चाइना को जेन्युइनली आज के समय बैठ के सोचना चाहिए कि शी जिनपिंग के अंडर चाइना की पॉलिसी इतनी अजीब क्यों हो चुकी है कि दुनिया भर में वेरियस कंट्रीज़ में बॉयकॉट चाइना की जो डिमांड है ये लगातार उठ रही है। और तो और चाइना का जो नाम है ये काफ़ी हद तक डूब चुका है, जो चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं इन USA उन पर अटैक होते हैं। जेन्युइनली यहाँ पर इनकी सरकार को सोचना होगा कि ये लोग आज के समय क्या गलत कर रहे हैं कि दुनिया भर में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लोग एक्चुअली परचेज करना नहीं चाहते।
আচ্ছা, এন্ড বুঝতে পেরেছি। যেটা হচ্ছে যে এবার দীপাবলিতে চাইনিজ প্রোডাক্ট বয়কটের জন্য একটা ডাক দিয়েছিল ইন্ডিয়ান হ্যাঁ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, জনগণ। জনগণই ডাক হ্যাঁ দিয়েছিল আমার কাছে মনে হয়, আর ইন্ডিয়ার হয়তো বা কোনো যারা তোমার বণিক সমিতি বা হ্যাঁ যেটা থাকে সেরকম কোনো গ্রুপ হয়তো বা এটা ডাক দিয়েছিল মনে হয়। আস্তে আস্তে এটা ছড়িয়ে পড়েছে এবং হ্যাঁ, এবং তাদের সবাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কিন্তু দেখা গেছে যে লোকাল প্রোডাক্ট কেনার হ্যাঁ প্রতি একটা সময় আগ্রহী হয় কি হয়েছে। মানুষ সচেতন হয়ে যায়, আর নিজের দেশের প্রোডাক্টটা আসলে কেনা উচিত আমার কাছে মনে হয়, কারণ সেক্ষেত্রে নিজের দেশের ওই প্রোডাক্টটার তোমার ভ্যালুটা বেড়ে যায়, ভ্যালুটা বেড়ে যাবে এবং আসলে মানুষের কিছু কর্মক্ষেত্র বাড়বে এবং তোমার দেশেই থাকবে টাকাটা, হ্যাঁ এটা টাকাটা বাইরে বাইরে যাবে না। যাচ্ছে না। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে যে আসলে টাকাটা তো পেতো তার জন্য লস হচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ দেশের জন্য ভালো হচ্ছে। দেশের জন্য এবং ভালো হচ্ছে, চিন্তা করা যায় যে গত 10 বছরের মধ্যে এ বছরই 1.25 লাখ কারোর, মানে প্রচুর প্রচুর সেল হয়েছে এবার দীপাবলিতে। হ্যাঁ তো আমার কাছে মনে হয় এটা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট, আর এ সময় আসলে মানুষ অনেক খরচ করে, অনেক গিফট করে মানুষকে, নিজেদের জন্য কিনে, পরিবারের জন্য কিনে, তো সেই সময় আসলে আরেকটা যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে যে ছাড়ের যে ব্যাপারগুলো, হ্যাঁ এ সময় কিন্তু অনেক ছাড় টাড় থাকে, অনেক জিনিসপত্র কিনতে গেলে আমাদের যেমন পয়লা বৈশাখে ছাড় থাকে, তারপর হচ্ছে পুজোর সময় ছাড় থাকে, ঈদের সময় ছাড় থাকে, তো তাদেরও এরকমই আর কি দীপাবলির সময় ছাড় ছিল এবং তার কারণে কিন্তু মানুষ অনেক অনেক বেশি কেনাকাটা করে। কেনাকাটা করেছে। হ্যাঁ, আর যেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এবছর যেটা বললো যে মোবাইল এবং গাড়ি এগুলোতে খুব বেশি ছাড় ছিল না, তারপরও কেনাকাটা করেছে কেনাকাটা মানুষ। করেছে। যেটা বলছিল যে সেমি কন্ডাক্টরের বিষয়ে, আমি সেটা তোমাকে বলছি যে সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে একটা ছোট পার্টস যেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ভিতরে থাকে অথবা গাড়িতে ইউজ হয়, তো সেটা খুব শর্টেজ পড়ে গেছে, যে কারণে হচ্ছে এই প্রোডাক্টটার প্রাইস ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ বেড়ে গিয়েছে, যে কারণে প্রোডাক্টগুলোর যে তৈরি কস্ট সেটা বেড়ে গিয়েছে। সেই জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্যর ক্ষেত্রে কিন্তু এবছর ছাড়টা কম ছিল। আদারওয়াইজ কিন্তু এই 1.25 লাখ করে যে সেলটা হয়েছে এটা আরো অনেক বেশি হতো। হ্যাঁ অনেক বেশি হতে পারতো, আর এখনই তো সবে শুরু, এখন কিন্তু এই মাস পরেই কিন্তু তোমার সবাই হচ্ছে বড়দিনের জন্য প্রস্তুতি নেবে, তারপর হচ্ছে 31-এর জন্য প্রস্তুতি নেবে, নতুন বছরকে, হ্যাঁ নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য, তো এই খরচটা কিন্তু বাড়তেই থাকবে যেটা উনি বলছিলেন, তো সেম আমাদের এখানেও এরকমই হয়, কারণ এই সময় কিন্তু সেই মানুষ একটু ক্ষেত্রে খরচ করে এবং এই সেলটা দেখা যাবে আরো অনেক বেশি, অনেক অনেক উপরে বেশি হবে। চলে হ্যাঁ যাবে। হ্যাঁ, তো ওভারঅল আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনাদের দেশের জন্য এটা কিন্তু ঠিক আছে, যদিও বা চায়নাদের জন্য এটা একটা ক্ষতি, কিন্তু তবে ওনাদের চায়না তো দেশের জন্য নিজেরাই আসলে বাধ্য করেছে বলা চলে, কেননা তারা হয়তো বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে ক্ল্যাশ অলরেডি চলছে। হ্যাঁ তাদের অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে অনেক দেশেই ক্লাস চলছে, অনেক সময় আমেরিকা তাদের উপরে কিন্তু অনেক বেশি করে ট্যাক্স ইম্পোজ করতে চাচ্ছে, তাছাড়া অন্য অনেক দেশ তাদেরকে পছন্দ করছে না, আবার এবং অনেক দেশ তাদেরকে COVID-19 এর পছন্দ কারণেও কিন্তু করছে অনেকে পছন্দ করছে না। হ্যাঁ COVID-19 এর জন্য অনেক দেশ তাদেরকে পছন্দ করে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে একচেটিয়া হয়ে যাওয়ার যাবে, তারপরও তাদের চায়না যে মার্কেট সেটা কিন্তু আসলে অনেক বড়, এত সহজে তাদেরকে কিন্তু রিপ্লেস করা যাবে না। আমার কাছে মনে হয় যে ওভারঅল চাইনিজ প্রোডাক্টের বিকল্প দরকার আছে, কারণ এখন কিন্তু অনেক কিছুর প্রাইস বেড়ে গেছে যেটা আমরা চায়নার উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে সুতা, তারপর তোমার ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক, পণ্য, হ্যাঁ ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলো, তারপর তাদের অনেক উপরে র অনেক, মেটেরিয়ালস, হ্যাঁ অনেক র মেটেরিয়ালস তাদের উপরে অনেক নির্ভরশীলতা আছে আমাদের, বলবো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমাদের হ্যাঁ বলবো না শুধু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তো আমার কাছে মনে হয় এটা একটা ভালো উদ্যোগ ইন্ডিয়ার জন্য। এটা একটা শুরু বলতে পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি কিন্তু ইনফরমেটিভ এবং অনেক ভালো ছিল, এবং ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে। আশা করি আমাদের আজকের ভিডিও রিয়েকশনটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর যদি আমাদের রিয়েকশনটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে দেখতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।